आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारत में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि कुछ लोगों पर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नफरत फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई कब होगी, कानून का शिकंजा कब कसा जाएगा। मुंबई के बिलाल मस्जिद में ड्रग्स फ्री कैंपेन रखा गया था और यहाँ पर महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी पहुँचे हुए थे। जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर महाराष्ट्र की फिजाओं में जिस तरह से नितेश राणे ने हेट स्पीच देकर फिजा को ख़राब करने की कोशिश की है, आखिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब की जाएगी, तो राहुल नार्वेकर का जवाब था कि ये जितने भी उन्होंने हेट स्पीच दिए हैं, ये उनके अपने बयान हैं, इससे पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। वहीं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। हाल ही में आपने देखा कि जुमे के नमाज के दौरान दिल्ली में एक पुलिस वाले ने नमाज के दौरान सजदे में गए हुए लोगों को लात मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जब राहुल नार्वेकर से इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कानून है और कानून जो है इस पर कार्रवाई करेगी। राहुल नार्वेकर का साफ तौर पर कहना था कि सबका साथ और सबका विकास है, यानी कि कहीं ना कहीं हर सवालों का उन्होंने घुमाकर यानी कि बहुत ही सोच समझकर जवाब दिया है। क्या कुछ राहुल नार्वेकर ने जवाब दिया है आपको सुनाते हैं। नार्वेकर जी, सबका साथ सबका विकास, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी चाहते हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि नितेश राणे जो है पूरे मुंबई के अंदर भड़काऊ भाषण लगातार देते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? उनका स्टैंड यानी पार्टी का स्टैंड नहीं है, वो अपना जो बात कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पर सर, ये इसको क्या कहेंगे सलमान अजहरी जी को लेके, लगातार उनको तकरीबन गुजरात जाके एक महीने से ज़्यादा हो चुका है और तो उनको तीन केस में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, जो होगा वो कानून के हिसाब से होगा और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। सर, दिल्ली वाले वाक्य को किस तरीके से देखते हैं कि कल दिल्ली के अंदर एक नमाजी के ऊपर जुम्मा की नमाज के टाइम गलत काम किया है, यदि कोई अफसर ने ज्यादती की है तो उस अफसर के ऊपर हम एक्शन गवर्नमेंट लेगी और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी साहब के गवर्नमेंट किसी भी निर्दोष को, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसके ऊपर कोई भी अन्याय होने नहीं देगी। सर, आप कह रहे हैं कि नितेश राणे का स्टैंड आपका स्टैंड नहीं, लेकिन महाराष्ट्र का जो माहौल ख़राब हो रहा है जो कि उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ हमें अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कोई गलत काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन सर, राणे के ऊपर कंप्लेंट भी दर्ज करी गई है लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, इसके ऊपर क्या? कानून के दायरे में रहकर जो एक्शन लेनी है वो ली जाएगी, पूरी एक्शन ली जाएगी। लेकिन सर, पहले ऐसा होता था कि ये बात चलती थी कि बाहरी लोग आकर महाराष्ट्र का माहौल खराब करते, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि यहीं के लोगों का नाम उसमें आ रहा है। सर, क्या कहेंगे, ये महाराष्ट्रीयन अस्मिता को लेकर सवाल नहीं उठ रहा है? मैं समझता हूँ हमें समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नेगेटिविटी को इग्नोर करना चाहिए।